हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है जिंको बाइलोबा, जो कि काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। और इस मेडिसिन के बारे में पहले उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जितने लेटेस्ट रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च में इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे इफेक्ट देखने को मिले हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस मेडिसिन के इंडिकेशन को जानेंगे, किस किस खास कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है और उसके साथ क्या क्या सिम्टम वहाँ पे प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्लांट की खासियत के बारे में। ये प्लांट पाया जाता है खासकर अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, चाइना, जर्मनी और जापान। ये कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये प्लांट पाई जाती है। इस प्लांट के अंदर एक एल्कलॉइडल प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें मुख्यतः तीन एल्कलॉइड हैं, पहला जिंकोलाइट्स, दूसरा है बायलोबेलाइट्स और तीसरा है फ्लेवोनॉइड। ये तीन ऐसे इसके मुख्य एल्कलॉइड हैं, मुख्य कंपाउंड है जिसके कारण इस मेडिसिन के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और खासकर जो थर्ड वाला फ्लेवोनॉइड, इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये हर प्लांट में लगभग ये जो कॉम्पोनेंट है फ्लेवोनॉइड, ये पाया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन की जब बात करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन इस प्लांट के फ्रेश लीफ, ताज़ी पत्तियों से बनाई जाती है ये होम्योपैथिक दवा जिंको बाइलोबा। अब डायरेक्ट बात करते हैं हम इसके इंडिकेशन पे, किस खास इंडिकेशन में इसके रोल देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, इम्प्रूविंग पुअर सेरेब्रल सर्कुलेशन। ब्रेन में ब्लड का फ्लो अगर सही से नहीं हो रहा है, उस फ्लो को सही करने में, उस सर्कुलेशन को सही करने में इस मेडिसिन की काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिलती है। यानी कि इनसफिशियंट फ्लो हो रहा है, वहाँ प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं पहुँच पा रहा। अगर ब्लड वहाँ नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा और ढेरों फंक्शन वहाँ पे प्रभावित होंगे। तो उसके फ्लो को सही करने में, सेरेब्रल सर्कुलेशन को सही करने में इस मेडिसिन की काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिलती है। दूसरा इसका इंडिकेशन है इम्प्रूव द मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। मेमोरी यानी कि आपकी याददाश्त, कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, इस दोनों को ठीक करने में भी इस मेडिसिन के काफ़ी अहम रोल देखने को मिलते हैं। और खासकर ये मेमोरी और कंसंट्रेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है सिजोफ्रेनिया में के पेशेंट में, ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको भी इम्प्रूव करने में जिंको बाइलोबा के अहम रोल देखने को मिलते हैं। तीसरा हमारा इंडिकेशन है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, इम्यून मतलब जो हमें हमारे बॉडी को रोगों से बचाए। बाहरी जो एंटीजन है, जो बाहरी एजेंट हैं, जो नॉक्सिक्स एलिमेंट हैं, उससे हमें बचाए। तो इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये सेल ये हमारा ही आदमी है, ये सेल हमारे बॉडी का ही पार्ट है, उसको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो ऑटो इम्यून जैसे डिजीज कंडीशन में भी जिंको बाइलोबा के काफ़ी अहम रोल देखने को मिलते हैं। बहुत सारे डिजीज कंडीशन, खासकर सोडियसिस जो आपने कॉमनली सुना होगा, वो भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। बहुत सारे डिजीज ऑटो इम्यून के अंदर आते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर को रिड्यूस करता है। अब प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर है क्या? ये ब्लड में पाया जाता है और ये करता क्या है कि ब्लड को मोटा करता है, जिसको थिक करता है ब्लड को, और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस को बढ़ाता है। तो जिंको बाइलोबा का ये भी रोल देखा गया कि ये प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर को रिड्यूस करता है ताकि हमारे वेसल्स में क्लॉट न बने और जिसके कारण फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। नेक्स्ट इसका इंडिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में भी अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ रहता है, उसमें भी काफ़ी इसके अच्छे रोल देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है कि आर्टरी के वॉल में फैट का डिपॉजिट होना, आर्टरी में फैट का डिपॉजिट होना, ऐसे कंडीशन में इसके काफ़ी अहम रोल देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आर्टरी का मोटा हो जाना, आर्टरी का ठीक हो जाना ऐसे कंडीशन में, और साथ में अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वहाँ भी इसके काफ़ी इफेक्टिव रोल देखने को मिलते हैं। एक लेटेस्ट रिसर्च ये बोलता है टीनिटस। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कान में ऐसा लगता है कि झिंगुड़ जैसा आवाज़ हो रहा है, कुछ ऐसा आवाज़ कर रहा है। ये भी जो आवाज़ मुख्यतः टीनिटस का, आप अगर कारण पे जाएंगे तो यहाँ पे नर्व कंडक्शन में अल्ट्रेशन होता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। और आजकल बहुत सारे पेशेंट जो टीनिटस की समस्या से परेशान रहते हैं।
तो टीनिटस में भी काफ़ी अहम रोल देखने को मिलते हैं जिंक को बाइलोबा के। नेक्स्ट कंडीशन है मल्टीपल एस्क्लेरोसिस, ये भी एक डिजीज कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है यानी कि जो हमारा बॉडी का रक्षक है वो करता क्या है कि जो नर्व होते हैं, नर्व की जो कवरिंग होती है, नर्व के ऊपर का जो कवर होता है जिसको बोलते हैं माइलिन सिथ, उसको वो नष्ट करना शुरू करता है। अब नर्व का काम क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट पार्ट में सेंसेशन को पहुँचाना। अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सेंसेशन अगर नहीं पहुंचेगा तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे क्या उसके फंक्शन को कितना ज़्यादा वो अफेक्ट कर सकता है। तो मल्टीपल एस्क्लेरोसिस में होता क्या है, नर्व का जो आउटर कवरिंग है, नर्व का जो आउटर कवरिंग वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है वो वहाँ पे डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वहाँ पे कवरिंग नष्ट हो गई है और वहाँ पे फंक्शन प्रभावित हो रहे हैं और फंक्शन प्रॉपर रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन एक बोलते हैं ना कम्युनिकेशन गैप, वो कम्युनिकेशन गैप डेवलप होता है ब्रेन और बॉडी के बीच में। केस के खास इंडिकेशन और खास जो मैंने पहला बोला था इम्प्रूव सेरेब्रल सर्कुलेशन, यानी कि आप लगभग इस मेडिसिन के जब अगर थीम की बात करेंगे तो इसका ब्रेन पे इसके काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं और ब्रेन के सर्कुलेशन को सही करने में इसके काफ़ी अहम रोल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आपने सेकंड पॉइंट देखा था वेसल्स पे, जितने हमारी आर्टरी हैं, वेसल्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस पर भी इसके खास एक्शन देखने को मिलते हैं। जितने मैंने यहाँ पे इंडिकेशन बताया अगर वो इंडिकेशन आपसे मैच करते हैं तो आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, वो आपको जो सजेस्ट करते हैं उसको आप फॉलो करें। ज़्यादातर रिसर्च ये बोलता है कि जिंको बाइलोबा मरे टीचर फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है, बट अगर आपको जिंको बाइलोबा ही लेना है तो आप किसी डॉक्टर के सानिध्य में लें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन और खासकर जिंको बाइलोबा का हार्मफुल हो सकता है। आज का वीडियो ये था कि ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए होम्योपैथिक दवा के साथ और एक नए डिजीज कंडीशन के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।